मतलब बढ़िया वाहन बनने लगा जी, और मात्र 1000 RPM, यानी कि इंजन के RPM घट गए, रोटावेटर के RPM बढ़ गए, और गेयर बक्से से जो है तेजी से हम लोग जुताई कर सकते हैं। पर भाइयों, तो भाइयों मात्र 1000 चक्करों पे रोटावेटर से बेहतरीन जुताई किस तरीके से की जा सकती है, तो आज का पूरा वीडियो इसी चीज पे रहने वाला है कि जी जो है भाई एक जादुई टेक्निक फिट कर दी है इसमें। तीसरे का लो गियर है, दोनों लीवर फुल डाउन है जी, और जो है रोटावेटर पूरा बढ़िया चल रहा है जी। तो भाई अब तीसरे की लो में रोटावेटर किस तरीके से चला सकते हैं ट्रैक्टर के ऊपर, और वो भी बिना लोड के जी, मात्र 1000 चक्करों पे। भाई 10 बीघे से ऊपर जमीन निकाल लेगा, तो वीडियो पूरा देखना जी, इसमें क्या ट्रिक करी गई है वो तब जाके आपको समझ में आएगा जी। और क्रॉस में से निकलने शुरू हो गए हैं जी धुएं, तो भाइयों क्रॉस हो रहा है टूटने वाला, तो अब इसको रोक लेते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम भाइयों, मैं हरदीप सिंह स्वागत करता हूँ जय किसान टेक्निकल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे। तो भाइयों जो आज का वीडियो है भाइयों, रोटावेटर के चक्कर बढ़ाए हैं और ये मात्र 1000 चक्करों पे कैसे सही काम किया जा सकता है जी, उसके ऊपर वीडियो होने वाली है। तो कैसे कैसे क्या सिस्टम है वो बाद में दिखाऊंगा जी, पहले देखो परफॉर्मेंस। मात्र 1000 चक्कर तीसरे किलो में ट्रैक्टर को चलाएंगे जी। तो भाइयों कुल 1000 चक्कर है ट्रैक्टर के, और दोनों लीवर फुल डाउन है, और जो गियर लगाएंगे जी वो लगाएंगे तीसरे का लो। तीसरे का लो गियर 1000 चक्कर, और दोनों ही लीवर जो है फुल डाउन कर देंगे, तो देखते हैं जी कैसी परफॉर्मेंस आती है। तो ये सिस्टम कैसे करा है जी मैंने, मात्र 1000 चक्करों पे ट्रैक्टर चल रहा है, और 1000 चक्करों पे ही तीसरे की लो में पूरी अच्छी जुताई हो रही है। क्या ट्रैक्टर डीजल कम खाएगा या ज़्यादा खाएगा, कहाँ लोड पड़ रहा है, और इतने बेहतरीन चक्कर जो है मैच कैसे करें, और इनका क्या कारण था, कौन कौन सी ज़मीन में ये जो सिस्टम चल सकता है जी। तो भाइयों जितना ही चाल आ रही है ट्रैक्टर की, जैसा ट्रैक्टर चल रहा है, तो 10 बीघे से ऊपर 2 एकड़ के लगभग ज़मीन निकाल देगा जी 1 घंटे में तीसरे की लो में, और जो है 1000 RPM पे मात्र। और पीछे काम देख लो जी कैसा होगा। तो भाइयों देख सकते हैं कि दोनों लीवर डाउन कर रखे हैं, और मात्र 1000 चक्करों पे जो है ट्रैक्टर को चला रखा है, और भाई भी बिल्कुल बढ़िया हो रही है। पहली बार भी जोत के दिखाया आपको, दूसरी बार भी, और RPM देख लो जी, इतने RPM। तो इसमें क्या था जी, इसमें जो है 17-18 की करारी थी, और 205-206 चक्कर निकलते हैं सोनालिका के चैलेंजर मॉडल के उसको। तो मैंने क्या काम करा जी कि 17-18 को उल्टा कर दिया, 18-17 कर दिया जी गरारी। तो इसके कारण क्या हुआ कि जी चक्कर और ज़्यादा बढ़ गए, तो चक्कर बढ़ने से अब सिरसों वगैरह की बुआई करनी, लीवर दोनों डाउन है, तीसरा लो गियर है, तो तीसरे की लो में भी मतलब बढ़िया वाहन बनने लगा जी, और मात्र 1000 RPM, यानी कि इंजन के RPM घट गए, रोटावेटर के RPM बढ़ गए, और गियर बक्से से जो है तेज़ी से हम लोग जुताई कर सकते हैं। पर भाइयों ये जो चीज़ है केवल जहाँ पे रेते वाली ज़मीनें हैं वहाँ पे पॉसिबल है जी। अगर डाकर ज़मीन में इस सिस्टम को इस तरीके से चलाएंगे 1000 चक्करों पे, तो ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा दाब मानेगा जी, यानी कि दबेगा। तो अब ये 1000 चक्करों पे चल रहा है जी, और लगभग ये 4 लीटर डीजल खाएगा जी 1 घंटे का, 4 से 5 भी खा ले तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 एकड़ के करीब निकालेगा, यानी कि 0.5 लीटर का औसत आएगा अपना जो है 20-20 वाले बीघे का। तो जितनी भी जुताई है इसी तरीके से करूँगा जी, 17-18 की गरारी को उल्टा करके बना दिया, यानी कि 18-17 कर दिया। तो उसके कारण क्या हुआ कि RPM बहुत ज़्यादा नहीं देने पड़ते ट्रैक्टर के, और रोटावेटर जो है पूरा तगड़ा लग रहा है। अब इतने RPM है कि दड़दड़ा रहा है जी रोटावेटर, और क्रॉस में से निकलने शुरू हो गए हैं जी धुएं। तो भाइयों क्रॉस हो रहा है टूटने वाला, तो अब इसको रोक लेते हैं क्योंकि मैंने पूरा छोड़ के चला रखा है। लोड पड़ रहा है क्रॉस पे, दोनों लीवर फुल डाउन है जी,
तीसरे का लोग एयर है। लिफ्ट ऊपर कर दिए तो क्रॉस ठंडा हो जाएगा जी, जो लोड बहुत पड़ता है जब रोटावेटर के चक्कर हाई होते हैं तो क्रॉस के ऊपर बहुत ही ज्यादा लोड पड़ता है। और ट्रैक्टर भी अपना सही है जी, कोई धुआं नहीं, बहुत बढ़िया खिंचाई करता है। तो जो 17-18 की गरारी थी जी उसको 18-17 कर दिया, उल्टा कर दिया, और इसी वजह से मात्र 1000 RPM पे तीसरे किलो में ट्रैक्टर ने चलना स्टार्ट कर दिया बढ़िया तरीके से। तो भाइयों, जिन भाइयों के पास भी 55 HP के करीब ट्रैक्टर हैं, 50 HP से प्लस ट्रैक्टर हैं और ज़्यादा पक्की ज़मीन नहीं है, बहुत ज़्यादा सरसों वगैरह की बुआई करनी है, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जी। रोटावेटर के चक्कर बढ़ा के ट्रैक्टर के इंजन के RPM घट जाएंगे और गियर स्पीड भी आप जो है अच्छे से मेंटेन कर पाओगे, मतलब दूसरे रो तक तीसरे रो तक भी जा पाओगे, कोई ऐसी आपको समस्या नहीं आएगी। तो ये जी है एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जो कि मेरा कामयाब रहा। पहली बार जो है जुताई करी जब, तो तब भी आपको दिखाया जी। तो ब्लेड चेक कर लो जी एक बार, कोई भाई ये ना कह दे कि ब्लेड पुराने हैं, तो इस काम के लिए ब्लेड भी बिल्कुल नए ज़बरदस्त ब्लेड चाहिए जी, क्योंकि मात्र 1000 चक्करों के लगभग जुताई करनी होती है, 1000-1200 के। तो बिल्कुल नए ब्लेड हैं जी, 17-18 की गरारी को उल्टा करके बनाया गया 18-17, और तीसरे का लो गियर मात्र 1000 RPM पे जो है बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन क्रॉस की ऐसी तैसी होगी जिसमें लोड बड़ा पड़ता है। तो 1000 चक्करों के ऊपर अब जो रोटावेटर मोटा मोटा बता दूं जी, जो है 180-185 चक्कर निकाल रहा है जी मात्र 1000 RPM पे गरारी उल्टी होने से, और अगर पूरे 540 कर दिए ट्रैक्टर के RPM तो जो है चक्कर 250 के लगभग पहुंच जाएंगे जी चैलेंजर मॉडल के, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई RPM हो जाएंगे। तो इसका फ़ायदा ये है कि जहाँ पे रेते वाली ज़मीन है, ज़्यादा पक्की ज़मीन नहीं है, तो वहाँ पे इस तरीके से करके चला सकते हैं। और भाइयों ध्यान रखना कि ट्रैक्टर 50 HP प्लस ही हो। तो ये था जी आज का वीडियो, रोटावेटर के चक्कर हाई करके ट्रैक्टर के चक्कर घटा के और गियर बक्से से ट्रैक्टर की चाल को बढ़ा के कि 1000 RPM पे मात्र कैसे बेहतरीन काम कर सकते हैं। धन्यवाद।